टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्नेल न्यूरो क्लिनिकल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लिनिकल्स पढ़ने से पहले स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनको बोलते हैं ग्रे मैटर। उसके साथ नर्व फाइबर का कलेक्शन होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक का, उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। ये वर्टिब्रल किनार के अंदर होगा, वर्टिब्रल किनार के अंदर ये थ्री फाइबरस मेम्ब्रेन से कवर होगा जिसको बोलते हैं मेनिंजीज। इसकी कुशनिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए CSF होता है और इसको पोजीशन के अंदर रखने के लिए स्पेशलाइज्ड लिगामेंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं डेंटिकुलेट लिगामेंट साइड लैटरली एंड फाइलम टर्मिनल इन्फीरियरली। तो फाइलम टर्मिनल इन्फीरियरली, डेंटिकुलेट लिगामेंट लैटरली। और इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंटेड होता है और यहाँ पर पेयर्ड पोस्टीरियर रूट जिसको सेंसरी बोलते हैं, एंटीरियर रूट जिसको मोटर रूट बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा कॉलम से छोटा होता है, ये L1 वर्टिब्रा के इन्फीरियर बॉर्डर पे आके खत्म हो जाता है, जबकि सब रेक्टेंगुलर स्पेस ये लोअर बॉर्डर ऑफ S2 वर्टिब्रा पे आके खत्म होती है। वर्टिब्रल कॉलम रिलेटिवली लॉन्गर है स्पाइनल कॉर्ड की नस्बत और स्पाइनल कॉर्ड शॉर्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर सेगमेंट होता है लंबर और सैक्रल सेगमेंट की जो नर्व्स होती है वो एक ओब्लिक कोर्स लेते हुए आती है, इस तरह का ओब्लिक कोर्स। ओब्लिक कोर्स को मिला के हम कह सकते हैं कॉर्डा इक्विना। जो स्पाइनल टैप है वो सब रेक्टेंगुलर स्पेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है, किस जगह पर? L2 वर्टिब्रा से नीचे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो L1 वर्टिब्रा के इन्फीरियर बॉर्डर पे आके खत्म हो गई है, तो L2 पर या L3 पर करना काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्लिनिकल, उसका नाम है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट लीजन। तो फर्स्ट क्लिनिकल शुड बी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट लीजन। जो एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट दोनों कवर होती हैं पाया अरेकनॉइड और ड्यूरा मैटर से। ये पाया अरेकनॉइड और ड्यूरा मैटर स्पाइनल नर्व की एपिनिउरियम के साथ फ्यूज कर जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी लीजन की कॉजेज देख लेते हैं। तो इनकी कॉजेज क्या हो गए लीजन के, तो पहले हम देख लेते हैं कुछ कॉजेज जो स्पेसिफिक है पोस्टीरियर रूट के लिए। जो पहला होगा उसको बोलेंगे टेबीज टॉर्सेलिस और दूसरा होगा हर्पीज जोस्टर। तो पहला होगा टेबीज डोर्सेलिस जो स्पेसिफिक पोस्टीरियर रूट को अफेक्ट करेगा, और दूसरा होगा हर्पीस जोस्टर। और कुछ ऐसे कॉजेस होंगे जो एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व रूट दोनों को अफेक्ट करते हैं, तो वो क्या क्या होंगे? साइफिलिस का इन्फेक्शन हो तो उसको बोलते हैं साइफिलिटिक मेनिनजियोमा, या सॉरी मेनिनजाइटिस। साइफिलिस का अगर इन्फेक्शन हो, या फिर इसके साथ हम कह सकते हैं पायोजेनिक मेनिनजाइटिस हो, क्योंकि नर्व रूट को कवर करने वाली मेनिनजीज होती है, तो मेनिनजाइटिस मेनिनजाइटिस। इसके साथ साथ हमें और क्या कॉज देखने को मिल सकते हैं? वर्टिब्रल कॉलम की कोई एबनॉर्मेलिटी हो, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर, हर्निएशन ऑफ वर्टिब्रल डिस्क, या डिस्ट्रक्शन बाय ट्यूमर, इन्फेक्शन या फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम? उस वर्टिब्रल कॉलम की भी क्या क्या देखने को मिल सकती है एबनॉर्मेलिटीज? फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके साथ ट्यूमर, इन्फेक्शन, ट्यूमर इन्फेक्शन होगा, ट्यूमर इन्फेक्शन होगा, इस तरह जो कंप्रेशन होगी बाय ट्यूमर्स। तो ये सारे कॉजेज हो गए। अब हम इफेक्ट पढ़ लेते हैं पोस्टीरियर नर्व रूट के डैमेज हो जाने की वजह से क्या होगा और एंटीरियर वाले से। तो इफेक्ट ऑफ पोस्टीरियर नर्व रूट लीजन, पहले इफेक्ट पोस्टीरियर की वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हमें सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। तो पहले सेंसरी लॉस देखने से पहले यहाँ पर हाइपर एलजेसिया यानी पेन होगा। तो पेन कहाँ पे फील होगा? पेन उस एरिया ऑफ स्किन में होगा और उस मसल के होगा जिसको वह सप्लाई कर रही है, जिसके मसल स्पिंडल को। तो स्किन
और वो मसल जिसको सेंसरी सप्लाई ले रहा है इससे यहाँ पेन होगा, और पेन के बाद हमें डर्माटोबल सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। डर्माटोबल सेंसरी लॉस अगर पोस्टीरियर नर्व रूट का डैमेज हो तो फिर एंटीरियर का हो तब क्या देखने को मिलेगा, एंटीरियर नर्व रूट का हो तब हमें उस मसल की पैरालिसिस देखने को मिलेगी जिसको ये सप्लाई करती है, उसके अलावा जिस मसल को ये पार्शली सप्लाई करती थी किसी के पार्शल सेगमेंट को, तो वहाँ पर तो यहाँ पर सिंपल पैरालिसिस देखने को मिल सकती है और इसके साथ फैसिकुलेशन और एट्रोफी देखने को मिल सकती है, फैसिकुलेशन और एट्रोफी अफेक्टेड मसल में। तो ये था नर्व रूट लीजन्स, और ये लीजन दो कैटेगरी की हो सकती है, इरिटेटिव लीजन या डिस्ट्रक्टिव लीजन। डिस्ट्रक्टिव लीजन में एक्शन पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इरिटेटिव में ये ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव में एक्शन पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, इसमें एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, ड्रॉप कर जाएगा तो फिर हमें ए रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा और इसके साथ हमें देखने को मिलेगा पैरालिसिस, या ए रिफ्लेक्स है तो पैरालिसिस कोई शो कर रहा है, इसके साथ हमें एनाल्जेसिया सेंसरी लॉस, इसके साथ एक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा हो जाए इरिटेटिव की वजह से तो हाइपर रिफ्लेक्सिया और हाइपर एल्जेसिया। इसके बाद हम सेंसरी ट्रैक्स की लीजन को देख लेते हैं। इससे पहले क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जो एंटीरियर लैटरल ट्रैक होता है या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इसमें जो लोअर सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है वो लैटरली होती है, जो अपर सेगमेंट है उसकी मीडियली, लेकिन डॉर्सल कॉलम मीडियल एमिनिस्कल सिस्टम में जो लोअर सेगमेंट ऑफ द बॉडी उसकी रिप्रेजेंटेशन मीडियली होती है यानी सैक्रल और लंबर सेगमेंट की, बाकी जो हाई अपर सेगमेंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन लैटरली देखने को मिलती है। तो इसका मतलब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के अंदर जो सर्वाइकल सेगमेंट है वो मीडियली पड़ा होगा, सैक्रल सेगमेंट लैटरली, लेकिन पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम में मीडियल लेमिनिस्कस में जो सैक्रल सेगमेंट होगा वो मीडियली, सर्वाइकल सेगमेंट लैटरली। इसके बाद हम देख लेते हैं असेंडिंग ट्रैक इंजरी, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की और फेसिकुलस गैसिलस फेसिकुलस ट्यूनेटस की। तो नेक्स्ट शुड बी लीजन ऑफ पोस्टीरियर असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक हमें तीन देखने को मिलते हैं, दो होते हैं वैसे, स्पाइनोथैलेमिक मेनली और डॉर्सल कॉलम मीडियल लैमिनेशन सिस्टम, स्पेसिफिकली लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, फेसिकुलर ग्रेसिलस फेसिकुलस क्यूनेटस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो पहला हम पढ़ेंगे लैटरल स्पाइनोथैलेमिक एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक के बाद हम देखेंगे डॉर्सल कॉलम जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक है। इस ट्रैक के लीजन की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, पेन और टेम्परेचर का कॉन्ट्रालैटरल लॉस बिलो द लीजन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, क्योंकि ये सेंसेशन क्रॉस कर जाती है, कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर सेंसेशन, ये लैटरल की वजह से होती है, स्पेसिफिकली टू और थ्री सेगमेंट बिलो लीजन। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इसके डैमेज हो जाने की वजह से कॉन्ट्रालैटरल लॉस देखने को मिलता है, लाइट यानी फाइन टच को और प्रेशर सेंसेशन का, नहीं फाइन टच नहीं बल्कि लाइट टच होगा, क्रूड टच होगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ लाइट टच, लाइट को हम लिख सकते हैं क्रूड टच एंड प्रेशर, लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव टच वो प्रिजर्व रहेगा। इसके बाद फेसिकुलस ग्रेसिलस फेसिकुलस क्यूनेटस, इसकी लीजन को देख लेते हैं, अगर डॉर्सल कॉलम की लीजन होगी तो वो डिस्क्रिमिनेटिव टच जिसको लोकलाइज नहीं कर सकेगा बंदा, इसके साथ हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, और हमें जो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन
और इसके साथ वाइब्रेशन लॉस बिलो द लीजन। और ये लॉस किस साइड पे होगा? इप्सी लैटरल साइड पर। तो ये था असेंडिंग ट्रैक। इसके बाद हम देख लेते हैं पेन, सोमैटिक पेन और विसरल पेन। नंबर थ्री शुड बी सोमैटिक एंड विसरल पेन। सोमैटिक पेन, विसरल पेन। सोमैटिक पेन है सोमैटिक पेन के सेंसरी रिसेप्टर होते हैं फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग। और जो विसरल पेन है, विसरल पेन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो स्पेशलाइज्ड केमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर, जो किसी स्कीमिया को, स्ट्रेचिंग को और केमिकल डैमेज को सेंस करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कीमो रिसेप्टर, इसके साथ हम लिख सकते हैं बैरो, ऑस्मो, ऑस्मो और स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर ये इसको सेंस करते हैं, किसको? इस्कीमिया को और स्ट्रेचिंग को और केमिकल डैमेज को। जो सोमैटिक पेन है वो हाईली लोकलाइज्ड होता है, विसरल पेन पुअरली लोकलाइज्ड होता है। जो सोमैटिक पेन है उसको कैरी करने वाली होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको कैरी करने वाला होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये रेफर्ड नहीं हो सकता क्योंकि इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैरी कर रहा है, ये रेफर्ड हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पेन। तो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ पेन। पेन दो तरह का हो सकता है, एक्यूट पेन या क्रॉनिक पेन, यानी फास्ट पेन और स्लो पेन। पहले एक्यूट पेन का क्या ट्रीटमेंट होगा और क्रॉनिक पेन का क्या ट्रीटमेंट होगा। जो एक्यूट पेन है इसको ट्रीट करने के लिए एस्पिरिन यूज की जाती है, इसके साथ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो तीन चीज़ें यूज की जाती है एक्यूट पेन को ट्रीट करने के लिए, पहले तो ड्रग्स, लोकल एनेस्थेटिक्स एंड नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। तो फिर हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ड्रग्स, लोकल एनेस्थेटिक्स तीसरा होगा नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। ड्रग्स में जो एग्जाम्पल होगी वो होगा सैलिसाइलेट। लोकल एनेस्थेटिक में एग्जाम्पल होगी प्रोकेन। नारकोटिक एनाल्जेसिक्स में एग्जाम्पल होगी मॉर्फिन और कॉर्डिन। सैलिसाइलेट ये काम किस तरह करती है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से पेन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगी? ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगी, तो रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोकेन ये क्या करती है? ये पेरिफेरल नर्व के अंदर कंडक्शन को ब्लॉक करती है, ब्लॉक कंडक्शन इन पेरिफेरल नर्व, ब्लॉक पेरिफेरल ब्लॉक। नारकोटिक एनाल्जेसिक में मॉर्फिन और कोडीन ये क्या करती है? ये पेन के जो इफेक्टिव नेचर होता है, जो लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करता होता है, उसको ब्लॉक करती है। इसके साथ ये ओपिएट रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, जो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के अंदर होता है। वहाँ पर ये ग्लूटामेट को, सब्सटेंस बी को, उनको दूसरे ट्रांसमीटर को रिलीज नहीं होने देती। ये क्या करती है? ये इफेक्टिव नेचर को डिक्रीज कर देती है पेन के। और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं ये ओपिएट रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, मॉर्फिन कोडीन बाइंड ओपिएट रिसेप्टर। ओपिएट रिसेप्टर एनाल्जेसिक सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, स्पेसिफिकली पोस्टीरियर ग्रे कॉलम के अंदर और दूसरे पार्ट के अंदर। तो ये कहाँ पे होगी? पोस्ट डोर्सल रूट या डोर्सल ग्रे कॉलम
कॉलम में और एनाल्जेसिया सिस्टम में रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जाके ये क्या करती है, ये सब्सटेंस पी को ग्लूटामेट को रिलीज नहीं होने देती, ये न्यूरोट्रांसमीटर पेन को ट्रांसमिट करते हैं। तो ब्लॉक रिलीज ऑफ सब्सटेंस पी एंड ग्लूटामेट। तो ये था एक्यूट पेन का ट्रीटमेंट। अब क्रॉनिक पेन का ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो एक्यूपंक्चर टेक्निक होती है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, और इसके साथ साथ जो प्लेस बॉस होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। असल में यहाँ पे यह होता है कि जो एंडोर्फिन को स्टिमुलेट करवा दिया जाता है, जो एंडोर्फिन नॉर्मल पेन पाथवे को ब्लॉक कर देती है। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन एक्यूपंक्चर या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, एक्यूपंक्चर है या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है या प्लेस बोस है या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ स्किन, ये सारे क्या करेगी, एनाल्जेसिया सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से एंडोर्फिन की रिलीज होगी, एनाल्जेसिया सिस्टम पे जाके काम करते हैं, एंडोर्फिन की रिलीज होता है, वो एंडोर्फिन पेन को सप्रेस करेगा। अब नेक्स्ट इज राइजोटोमी एंड कॉर्डोटोमी, ये भी पेन को रिलीव करने के लिए है। तो नेक्स्ट शुड बी पेन रिलीफ, ये भी क्रॉनिक पेन के इलाज में आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, राइजोटोमी और कॉर्डोटोमी। राइजोटोमी का मतलब क्या होगा, कॉर्डोटोमी का मतलब क्या होगा, तो सर्जिकल रिलीफ ऑफ पेन दो तरीके से हो सकता है, राइजोटोमी या कॉर्डोटोमी। राइजोटोमी स्पेसिफिकली पोस्टीरियर राइजोटोमी, इसका मतलब होता है पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व को डिवाइड कर देना, उसको लाइकेट कर देना। तो ये किसका होता है, डिवीजन किसकी होती है, या किसको सर्जिकली लाइकेट करना या किसको रिमूव करना, पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। जबकि कॉर्डोटोमी में क्या होगा, इस कॉर्डोटोमी में हम लैटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक को ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लैटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक। यहाँ पर राइजोटोमी में हमें पेन के साथ तमाम सेंसेशन का लॉस देखने को मिलेगा, तो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। लेकिन कॉर्डोटोमी में हमें पेन और टेम्परेचर का ही लॉस देखने को मिलेगा, बाकी सेंसेशन प्रिजर्व होगी। जो कॉर्डोटोमी है, डिपेंडिंग अपॉन अगर हमने एब्डोमन का ट्रीट करना है तो उसको बोले कि थोरैसिक कॉर्डोटोमी, क्योंकि थोरैसिक सेगमेंट से ही नर्व जाती है। अगर हमने नेक का या थोरस का ठीक करना है तो फिर बोले कि सर्वाइकल कॉर्डोटोमी। तो ये दो तरीके की होगी, थोरैसिक सर्वाइकल। थोरैसिक वाली होती है लोअर एब्डोमन पेल्विस के लिए, सर्वाइकल वाली नेक के लिए और थोरैक्स के लिए होती है। तो बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, बाकी क्लिनिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लास्ट।